So guys, in this video today we are learning a 20 by 60 West facing house plan. So let's get started with the planning. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वाइड है जो कि है 20 फीट वाइड और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है जो कि है 60 फीट. सो लेट्स स्टार्ट विद मेन एंट्री वाला पोर्शन. तो यहाँ से ना ये मेन एंट्री है. पार्किंग की जो साइज़ है जो कि 19 फीट 9 बाई 9 फीट 6, दैट मीन्स हियर टू दियर हॉरिजॉन्टली 19 फीट 9 फीट 6 एंड हियर टू दियर वर्टिकली जो साइज रहेगी जो कि है 19 फीट 9. तो ये हो गया हमारा पार्किंग से. इस पार्किंग के बाद यहाँ पर आता है लिविंग रूम. तो लिविंग रूम की जो साइज है जो कि है 19 फीट 3 बाई 11 फीट 6, दैट मीन्स हियर टू दियर जो है जो कि है 19 फीट 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज रहेगी जो कि 11 फीट 6. तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम. यहाँ से लिविंग रूम से होते हुए यहाँ पर आएगी किचन की ओर. तो किचन की जो साइज़ है जो कि है 9 फीट 4 बाई 9, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 9 फीट 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 9 फीट. यहाँ पर हमने दिया है कॉमन टॉयलेट. तो कॉमन टॉयलेट की जो साइज़ है जो कि है 6 फिट 5, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 5 फिट. तो ये हो गया हमारा किचन, कॉमन टॉयलेट, लिविंग. अभी हम आएंगे बेडरूम की ओर. तो ये जो है बेडरूम है. बेडरूम की जो साइज़ है जो कि है 14 फिट 4 बाई 11, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि 14 फिट 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है जो कि 11 फिट. तो ये हो गया हमारा बेडरूम. यहाँ से लेकर बाहर की ओर से मतलब ये पैसेज से होते हुए हम आएंगे यहाँ पर बेडरूम है, पूजा है और ड्रेसिंग एरिया और अटैच टॉयलेट. तो पहले हम देखेंगे बेडरूम. तो बेडरूम की जो साइज़ है जो कि है 9 फिट 6 बाई 15 फिट 10, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 9 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 15 फिट 10. और यहाँ पर हमने दी है अटैच टॉयलेट. तो उसकी जो साइज़ है जो कि है 4 फिट 6 बाई 8 फिट 11, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है जो कि 4 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है जो कि 8 फिट 11 इंच. तो ये हो गया हमारा अटैच टॉयलेट. और यहाँ पर हमने वेंटिलेशन दिया है फॉर दिस बेडरूम एंड दिस अटैच टॉयलेट. तो ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम. यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है ड्रेसिंग रूम. तो ड्रेसिंग एरिया की जो साइज़ है जो कि है 4 फिट 6 बाई 6 फिट 2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 6 फिट 2. तो ये हो गया हमारा ड्रेसिंग. यहाँ पर हम आएंगे पूजा रूम की ओर. तो यहाँ पर पूजा एरिया की जो साइज़ है जो कि 4 फिट 6 बाई 6 फिट 2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 4 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ रहेगी जो कि है 6 फिट 2. तो ये हो गया हमारा 20 फिट बाई 60 फिट हाउस प्लान. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.